नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा से है। एक बड़ी खबर नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र इलाके से आ रही है, जहां ककरिया गांव के समीप डीपीएस स्कूल की स्कूली वाहन पलट गई, जिससे स्कूली वैन पर सवार एक दर्जन स्कूली छात्र जख्मी हो गए। घटना के संबंध में डोइया पंचायत के मुखिया रवि मुखिया ने क्या कुछ बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चा को दरमियान लाने के लिए गाड़ी पर स्कूल से निकला था, ठीक है, और एक मोटरसाइकिल आ रहा था, उत्तर के रूप में जा रहा था मोटरसाइकिल वाला, तो चकमक देने कारण बच्चा गाड़ी आ रहा। दिल्ली पर स्कूल वाली गाड़ी है, बच्चा भी ढेर सा बच्चा भी उसमें लगता है, क्योंकि बच्चा बैठे था गाड़ी, और गाड़ी तीन पलटने मारा है, दो पलटने तो रोड पर मारा है, एक पलटने मारते मारते गाड़ी जाके इसे सोझा हो गई। उसमें से जो ड्राइवर था वो भागने का प्रयास कर रहा था, वो भाग कर निकल भाग रहा था, बच्चा को नहीं निकाल रहा था, वो पकड़ कर फिर बच्चा का गेट खुलवा कर फिर बच्चा को निकाल दिया। तो बच्चा को कुछ तरह की दिक्कत नहीं हुआ, हल्का हल्का चोट लगा बच्चा को, वो दिक्कत बच्चा को नहीं हुआ, किसी की हालत गंभीर नहीं है। नहीं, एक हाँ मोटरसाइकिल वाला को गंभीर है, मोटरसाइकिल में एक महिला बैठा हुआ था पीछे, और बच्चा चलाने वाला भी चोट है, उसको सदर अस्पताल भेज दिया गया है। क्या नाम है भैया आपका? मैं रवि राम मुखिया नाम वर्तमान। इसमें स्कूली बच्चे थे क्या? तो अभी पता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बच्चा था, मतलब बच्चे भी घायल हैं, अभी तो हम देखे नहीं है तो हम नहीं कह सकते, और नहीं कुछ बता रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल वाला तो मारा है। क्या नाम लिखते हैं सर? क्या नाम लिखते हैं?